Hello friends, how are you? This is Sony from Sony's Corner. Welcome to my channel. Friends, आज हम clay को कैसे embossed करना है, different items को use करके उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. तो हम clay को embossed करने के लिए जो item use कर रहे हैं तो वो आपको मैं दिखा देती हूँ. हमने ये हमारे कुछ पीसेस जो है वो डेकोरेशन पीसेस टूट गए थे तो उससे इकट्ठे किए गए हैं. तो यहाँ पर ये देखिए आप, डिज़ाइन बहुत सुंदर है इसलिए इसकी मदद से हम इम्बोस करेंगे क्ले को. और इसके अलावा हम ये हमने ब्रोकन मिरर लिया है और इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, इसकी मदद लेंगे इम्बोसिंग में. और साथ में हमने ये छोटे छोटे आइटम्स लिए हैं, बटन्स हैं और ये पेंडेंट हैं और इसको यूज़ करेंगे इम्बोसिंग के लिए. और ये है कार्डबोर्ड, ऊपर का हिस्सा मैंने निकाल दिया है तो लाइनिंग के लिए हम इसको यूज़ करेंगे. साथ में हमें क्ले चाहिए होगी, टूथपिक्स चाहिए होंगी, सीज़र चाहिए होगी और नाइफ़ की ज़रूरत पड़ेगी और रोलिंग पिन हमें चाहिए होगा. तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम अपना ट्यूटोरियल शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम ब्रोकन मिरर को यूज़ करेंगे इम्बोस करने के लिए अपनी क्ले को. तो हम क्ले का कुछ पोर्शन लेंगे, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से हमें क्ले लेनी है. और यहाँ पर हमें प्लेस कर देनी है जो डिज़ाइन हमें चाहिए, वहाँ पर प्लेस करके हम रोलिंग पिन से इसको धीरे धीरे थोड़ा प्रेशर देते हुए हमें आगे पीछे करना है. जो शेप हमें चाहिए वो शेप हमें लेके आनी है रोलिंग पिन के मदद से. और लेकिन ना भी हो तो भी आप बाद में इसको कट कर सकते हो. हल्का सा प्रेशर देके हमें इसको रोल करना है. तो ये हमारी क्ले रोल हो गई है तो इसको अभी धीरे से उठाएंगे. तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा इम्प्रेशन जो है आपको दिखाई देता होगा. तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना अच्छा हमारा क्ले के ऊपर इम्बोसिंग हो गई है, बहुत जल्द हो जाती है. ये इम्बोसिंग करने के बाद हमें इसको फ्लैट सरफेस पे रखेंगे और अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली हम इसको कट करेंगे. अगर हमें पेंडेंट बनाना है हार्ट शेप में तो ये मैंने कुछ कुकी कटर्स लिए हैं तो इनमें से अपनी चॉइस के जो शेप चाहिए वो, जैसे हमने यहाँ पर हार्ट शेप लिया है तो यहाँ पर हम कुछ रख कर इसको प्रेस करेंगे अच्छे से. और ये हमारा एम्बोसिंग हार्ट शेप जो है वो रेडी हो जाएगी. तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा हमारा पेंडेंट जो है वो रेडी हो जाएगा एम्बोसिंग वाला. तो ये रेडी हो जाने के बाद हमें टूथपिक लेनी है और जहाँ पर हमने, अगर सेंटर में से आपको होल करना है तो आप सेंटर में से होल करके इसको ड्राई आउट का हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट. उसके लिए हम क्ले लेंगे इस तरीके से. फ्रेंड्स हमें रोल करना है रोल करके हमें जो डिज़ाइन चाहिए उसके ऊपर हमें
अपने क्ले को प्लेस करना है। ये प्लेस करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से रोलिंग पिन से थोड़ा प्रेशर देते हुए इसको फ्लैट कर देना है। तो ये देखिए, ये हमारा कुछ डिज़ाइन जो है वो देखिए, बहुत सुंदर डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया है। और इसको अगर आपको थोड़ा अपना टेस्ट देना है तो आप लेकर, नाइफ लेकर इस पर कोई भी डिज़ाइन आप एक्स्ट्रा ड्रॉ कर सकते हो अपनी चॉइस का। और अगर आपको ये काटना है तो यहाँ से कटिंग भी की जा सकती है। ये कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स, और यहाँ पर ये देखिए, बहुत सुंदर हमारा पेंडेंट रेडी हो जाएगा। और ये पेंडेंट कैसे आपको रेडी करना है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको। तो ये कैसे इम्बोस करना है वो आपने देखा होगा कितना इजी है इम्बोसिंग क्ले पर करनी, और बहुत सुंदर हमारे पेंडेंट रेडी हो जाते हैं। और इसके लिए हमें दोनों साइड पे होल चाहिए, तो हम यहाँ पर टूथपिक की मदद से दोनों साइड पे होल करके रेडी कर देते हैं और इसको ड्राई आउट कर देते हैं। अभी हम थर्ड, ये फ्लावर की है, बहुत अच्छा इम्प्रेशन आएगा क्ले का, इसके ऊपर हम ट्राई करते हैं क्ले से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने क्ले ली, इसको सेंटर में प्लेस करते हैं। सेंटर में प्लेस किया इसको और रोलिंग पिन से इसको आगे पीछे करके हल्का सा आपको प्रेशर देते हुए इसको फ्लैट आउट करना है। अच्छे से आपको फ्लैट आउट करके उसके बाद देखिए, ये देखिए कितना सुंदर हमारा फ्लावर का इम्बोस जो है वो रेडी हो गया है। क्ले के ऊपर फ्लावर की इम्बोसिंग कितनी सुंदर रेडी हो गई है। तो आपको एज इट इज़ रखना है तो एज इट इज़ रख सकते हो। आपको कुछ कटिंग करना है तो आप सीज़र की मदद से आप कट कर सकते हो। और इसमें अगर आपको थोड़ा और डिज़ाइन ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे ये फ्लावर प्लेन है तो आपको इसके अंदर हल्का सा इम्प्रेशन ऐड करना है तो वो भी किया जा सकता है। तो ये हमारा फ्लावर रेडी हो गया। आपने देखा होगा कितनी जल्दी एम्बोसिंग हो जाती है। ये देखिए, अपनी चॉइस का कोई भी डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पर भी हमें अगर कट करना है तो किसी भी शेप में, अगर आपको दूसरा कट करना है तो वो भी किया जा सकता है। और अगर एज इट इज़ रखना है तो यहाँ पर हम होल करेंगे ताकि हमारा पेंडेंट रेडी हो सके। तो इसको भी हम फ्लैट सरफेस पे रखते हैं। यहां पर रखते हुए हमें इसको
फ्लैट करना है रोलिंग पिन से। और ये देखिए कितना सुंदर हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी हो गया है। और एक्स्ट्रा जो हमें दिखाई दे रहा है तो वो हम कट करके निकाल सकते हैं। जो डिज़ाइन हमें नहीं चाहिए वो हम क्ले को कट करके निकाल देंगे और फ्लैट करके पाउडर की मदद से या हल्का सा गीला हाथ करके इसको हम प्लेन कर देंगे। तो अभी हम कार्डबोर्ड के ऊपर देखते हैं कि कैसा इम्प्रेशन आता है। उसके लिए भी हम इसको हल्का सा राउंड करके फ्लैट करेंगे और रोलिंग पिन से धीरे धीरे हम रोल करेंगे। ये हमारा रोलिंग पिन से रोल हो गया। अभी इसके इम्प्रेशन देखेंगे तो ये देखिए सेम इम्प्रेशन जो है वो क्रिएट हो जाता है। और इसको हमें अगर यूज़ करना है तो हम कुकी कटर से इसको कट करेंगे। और स्टार की शेप का कुकी कटर है तो ये देखिए फ्रेंड्स ये कुछ कितना अच्छा हमारा क्रिएट हो जाता है। और ये हमारा कांच के ऊपर एम्बोस किया था तो ये देखिए कितना सुंदर इसका पैटर्न आया है। और ये पैटर्न जब अच्छे से एम्बोस हो जाए तो इसको हम अपने डिज़ायर्ड शेप में, ये देखिए ये हमने कुछ इस तरीके की शेप ली है और इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे पेंडेंट्स रेडी हो गए हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके हमने एम्बोसिंग की है तो होने के बाद इसका और एम्बोसिंग का इफ़ेक्ट अच्छा आता है। तो ये देखिए कुछ ये ड्राई आउट करके रखे हुए हैं फ्रेंड्स, ये देखिए इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए एकदम डिफाइंड जो भी प्रिंट हमने इस पर एम्बोस किया हो वो बहुत अच्छा से उभर के आता है। तो ये एम्बोसिंग का हमने पेंडेंट्स या क्ले से हमने आपको बताया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको हाउ टू कलर इट और उससे हम किस तरीके से पेंडेंट बना सकते हैं वो बताने वाले हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिए।